बैक हिंदी बोले ना हाँ हिंदी हाँ इंट्रोड्यूस भैया माय नेम इज पंकज तनवार मैं संदीप तनवार का भाई आज मैं आर्मी सोल्जर हूँ एक तारीख को फर्स्ट जनवरी के दिन मेरे भाई को संडा साफ करने की बहाने से बुलाकर दरंदली परिवार के लोगों ने उनका मर्डर कर दिया ये सचिन घर की माँ है कला भाई इनका इनका लड़का था इनका लड़के का उनकी लड़की से प्रेम प्रकरण था इसलिए उन लोगों ने बहाना करके उनको बुलाया और वहाँ पर उनकी एकदम बेदर्दी से हत्या कर दी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उन लोगों को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उन लोगों को ऐसे दिल्ली के अंदर एक लड़की का रेप होता है तो पूरा देश जागरूक होकर उन लोगों को फांसी के लिए बोलता है कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए यहाँ दलित समाज के 3 लड़कों को मारा है टुकड़े करे छोटे छोटे टुकड़े करके बोरवेल में डाले कुएं के अंदर डाल दिए कोई इंसान नहीं क्या इनको भी कम से कम फांसी तो मैं तो बोलता हूँ इनको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए इन सातों आरोपियों को खड़े लेकर चौराहे के ऊपर फांसी देना चाहिए और दूसरा ये इनके पीछे राजकीय सपोर्ट ज्यादा है मंत्री से लेकर तो सब लोग को मैनेज करने की सोच रहे हैं अभी हम लोग 9 महीने से कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके ये केस श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट से नासिक डिस्ट्रिक्ट या जलगांव ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में चेंज होना चाहिए क्योंकि वहां पर हम जब भी तारीख पर जाते हैं तो 100-200 लोग तो आराम से होते हैं अभी हम लोग सिर्फ 3-4 लोग होते हैं ये एक बूढ़ी माँ होगी 70 साल की बूढ़ी माँ है ये बेचारे क्या करेंगे अगर 2 लोग भी उसके आगे सामने आकर खड़े हो गए तो वो क्या करने वाली है ये उसका भाई है इसके आगे पीछे कोई नहीं है मैं आर्मी सोल्जर हूँ चलो मुझे डर नहीं लगता है आर्मी सोल्जर इसलिए लेकिन ये दोनों तीनों परिवार वाले क्या करने वाले हैं इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जितने भी मंत्री हैं सबको मिले शरद पवार कृषि मंत्री उनको मिले लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की बस सब आश्वासन दे देंगे पीछे हट गए अभी मुझे तो हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार को लेकर दिल्ली जाना पड़ेगा वर्दी वगैरह पहनकर वहाँ पर राष्ट्रपति को ही बोलना पड़ेगा कि साहब ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ सुन नहीं रहे ना गृह मंत्री कुछ सुन रहा है पीड़ित कुटुंबों को नौकरी दे दी दोपहर से थोड़ा बहुत क्या 1-1.5 लाख रुपए दे दिया हो गया मेन जो है इन लोगों को फांसी दिलाना या फिर इस केस को डिस्ट्रिक्ट चेंज कराने की जो हम लोग बोल रहे हैं केस के लिए कुछ नहीं कर रहे अभी हम लोगों को पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए जो आप लोगों ने दिया है सरकार ने हमें जो दिया है वो भी हमसे वापस ले लो लेकिन इन लोगों को फांसी की सजा दो जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक में डालो और दूसरा ये हमारे जितने परिवार वाले लोग हैं इन लोगों जो आप लोग पुनर्वासन के जो नियम बनाए एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार जो मिला जाए वो दो यार जो आप लोगों ने नियम बनाए वो नियम के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि कुछ गलत कि हमको ये चाहिए वो चाहिए अभी सागर तुम लोग जब वहां पर जाते हो श्रीरामपुर में जाते हो तो तुम लोग डर लगे रहता है कि कोई आके हमको मारे नहीं फिर भाई आके पूछता है इधर इशारे करेंगे आपको ऐसा डर लगता है कि भाई 100-200 लोग जमा रहते हम हमारे पीछे कोई नहीं रहता एक पुलिस वाला भी हमारे साथ को रहता नहीं मदद को भी रहता नहीं हम ये बुढ़ी माँ के बारे में तो हमको बचाए कि हमको बचाए कैसे करें हमको किसी का सपोर्ट भी नहीं करते इतना भाई जाने के बाद इतना बेदर्दी मारने के बाद भी फिर हमको सरकार को सपोर्ट नहीं करते कि भाई कैसा हो रहा है 9 महीने होते आ गए हम कितने परेशानी में भी जाते जिधर जाने करता उधर अभी तीनों परिवार मिलजुल के जाते हैं बाकी कोई हमको ऐसा नहीं कि पुलिस वाले प्रोटेक्शन करके लेके चले कोर्ट की तारीख भी हमको मालूम नहीं पड़ती बाद में पता चलती है एक को बताएंगे तो दूसरे को बताएंगे दूसरा फिर दूसरे नहीं तो पता भी नहीं चलती कि तारीख कब की रहेगी अरे हमारा पता तो करना हमारा भी तो भाई बहुत गुजरे हैं हमको भी पता नहीं बोलना मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद कर रहे हैं हम कि भाई उन्होंने अपना एक डिसीजन अच्छा लिया है कि एडवोकेट भुजबल निगम साहब को इस केस के लिए निमृत कर दिया वो जिसके लिए हम पूरे समाज के थ्रू उनके धन्यवाद देते हैं उनको कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन जैसे जैसा 6 महीने के अंदर उस दिल्ली के प्रकरण का निर्णय लगाया उसी तरीके से जल्द से इसका भी निर्णय लगाओ ना आज इस केस को 9 महीना होते आ रहा है 9 महीना में ये हियरिंग में भी नहीं लगी अभी तक केस सिर्फ तार पे उन लोगों को लेकर आते हैं वो लोग जमानत के ऊपर जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उन लोगों की जमानत हो गई तो पक्का पीड़ित कुटुंब के किसी न किसी को पक्का मारने वाले 100% किसी को मारे ना मारे मैं आर्मी सोल्जर हूँ इस केस के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ तो मुझे भी खुद को भी डर लगता है मेरे भी माँ बाप है मेरा भतीजा छोटा
मुझे भी डर लगता है यार, कभी रास्ते में मुझे मिल गए, मुझे मार दिया, तो मेरे और परिवार वालों को क्या होने वाला है? मेरे घर पे अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन लगा रखा है। गृह मंत्री को एक निवेदन है भाई कि आप जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक में दो और जल्द से जल्द निर्णय लगाओ। निर्णय तो लगाना है ना आपको, आज 2 साल में 4 साल में लगाना है तो उसको जल्दी लगा दो। या दरिंदर परिवार से आपने कुछ लेकर बैठे तो नहीं ना, जल्द से जल्द जोड़ लगाना है लगा दो फटाफट। सचिन की माँ से पूछ लो आप, जब वो वहां पर कोर्ट में जाती है तो डर लगता है? बहुत लोग रहते हैं हमारे आजू बाजू, हमको डर लगता है वहां पर। और हमको यही लगता है कि भाई मेरा तो एक ही लड़का था, उसका भी ऐसा कर दिए, तो हमारे को बहुत डर लगता है ऐसा भैया आने से। हम बोलते हैं हमको जलगांव जिले में दो केस या नासिक में, वो भी नहीं सुनते। और हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे को तो ये लोग उनका मर्डर जैसा मेरे बेटे का मर्डर करे जैसा इनको भी फांसी होने को। अभी मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं, बेटी है वो जो ही खड़े हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है अभी। अब वहाँ से अभी मैं यहाँ ना आ गई हूँ जवाई के पास में, आप लोग कुछ करो हमारा।